तरुण तेजपाल, उनकी किताब का टीजर आया है। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की चर्चित एनिमल फार्म की नई भूमिका लिखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे लेकर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से ट्विटर पर उनकी बहस हो गई। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मनीष तिवारी ने उन्हें कोर्ट में घसीटने तक की धमकी दे डाली। मनीष तिवारी ने टीजर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, मेरे कॉलेज सीनियर राजनीतिक रूप से बहुत सताए गए और अब सम्मानजनक रूप से बरी हो चुके प्रतिभाशाली और मेधावी तरुण तेजपाल ने एनिमल फार्म का यह टीजर लिखा है। तरुण, अपने सर्वश्रेष्ठ पर फिर से स्वागत है दोस्त, इसे पढ़ें। मनीष तिवारी के तेजपाल के लिए राजनीतिक रूप से बहुत सताए गए लिखने पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें बीमार मानसिकता वाला बताया। उन्होंने मनीष तिवारी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, मुझे आज पता चला कि तरुण तेजपाल सम्मानपूर्वक दोषमुक्त और राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। इस आरामदायक क्लब द्वारा एक महिला के यौन उत्पीड़न को बकवास बताने से उनकी बीमार मानसिकता की बू आती है। उनका मानना है कि वे महिलाओं के आसपास जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं और गंभीर अपराध पर हंस सकते हैं। शर्मनाक। प्रियंका ने आगे लिखा, क्योंकि गोवा सरकार ने तेजपाल को जिला कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की है, इसने जश्न को रोका जा सकता है। इस तरह के शक्तिशाली गुट का सामना करने की हिम्मत रखने वाली लड़की को और ताकत मिले। इस पर मनीष तिवारी ने जवाब देते हुए ट्वीट किया, आपके जैसे नहीं प्रियंका चतुर्वेदी, मैं एक वकील हूँ और मुझे फैसले पढ़ना और उनकी इज्जत करना आता है। तरुण तेजपाल पर मामला चला और वो निर्दोष साबित हुए और ये सच है कि गोवा सरकार हाई कोर्ट में गई है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुंबई और गोवा हाई कोर्ट में कहें। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। प्रियंका चतुर्वेदी ने मनीष तिवारी को फिर रिप्लाई किया, आपके जैसा नहीं मनीष तिवारी, सिर्फ वकील होना और आदेश पढ़ना आना आपको बड़ा नहीं बनाता और ये एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। मुझे अपनी राय रखने का उतना ही अधिकार है जितना आपको एक कथित रेपिस्ट की पीठ थपथपाने का। इस पर फिर से मनीष तिवारी ने रिप्लाई किया, ऐसा ही है प्रियंका चतुर्वेदी, ये मुझे नियम कानून और संविधान के तहत कोर्ट के दिए आदेश को सही से समझने और इज्जत करने लायक बनाता है। आपसे गुजारिश है कि मानहानि की सीमा को पार ना करें। मुझे एक साथी सांसद और पूर्व सहयोगी को कोर्ट ले जाने पर दुख होगा। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, ओ चुप रहने की धमकी, एक वकील के रूप में आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने पहले ट्वीट में आपको टैग नहीं किया और ना आपका जिक्र किया था। इसमें आप खुद कूदे, जिसका मैंने जवाब दिया। आपको बता दें कि पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के कथित यौन शोषण और रेप मामले में इसी साल मई में गोवा की एक अदालत ने दोषमुक्त करार दिया था। गोवा सरकार ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। तहलका पत्रिका के फाउंडर तरुण तेजपाल पर थिंक 13 नाम के फेस्टिवल के दौरान अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ यौन शोषण के आरोप थे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि तेजपाल ने गोवा के ग्रांड हयात होटल की लिफ्ट में 7 और 8 नवंबर 2013 को उसके साथ ज्यादती की थी। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी उमा ने।